नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। अंग्रेजी शराब के रैपर लगाकर अलग अलग कंपनी की बनाई जा रही थी शराब। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दो हुए फरार। पुलिस ने शराब बनाने वाली सामग्री, बड़ी मात्रा में रैपर, ढक्कन, खाली बोतल की बरामद। बंद घर में बना रखी थी अवैध शराब की फैक्ट्री। भारी मात्रा में नकली उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की पैकिंग कर बेच रहे थे शराब। थाना ट्रांस यमुना ने आरोपी को भेजा जेल। डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने मामले की दी जानकारी। देखिए, थाना ट्रांस यमुना टीम ने थाना क्षेत्र में एक जगह अवैध रूप से शराब को डाइल्यूट करके और पैक करके बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अनुज है उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से लगभग 150 बोतल, पैक्ड बोतल, हाफ और क्वार्टर बॉटल्स शराब की बरामद हुई है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आया है वो कुछ ऐसा है, ये चंडीगढ़ और हरियाणा मार्के की शराब पहले ले आते थे और उसको बॉटल खोल के और डाइल्यूट करके और कुछ अन्य बॉटल्स कबाड़ी वालों के माध्यम से लेकर और रैपर, क्यूआर कोड और स्टिकर्स बाहर से लेके मार्केट से और इसको पैक करके वापस ठेकों पे बेचते थे। सर, इसमें और कोई भी आरोपी सामने आया नाम? ये अनुज नाम का जो व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसने पूछताछ पे बताया कि दो अन्य लोग इसके साथ शामिल थे, अर्जुन और भोला नाम था जिनका। एक व्यक्ति शराब की सप्लाई करता था, एक व्यक्ति कबाड़ी वालों से बॉटल्स लेता था। ये तीनों मिल के इस घटना को अंजाम देते थे। देखिए, ये सारी चीज़ें अभी पूछताछ की जा रही हैं, गैंग अभी पकड़ाई गया है, विवेचना में जैसे खुल के आएंगे तो अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। डीसीपी सर, ये माना जाए कि ये लोग सस्ती शराब को महंगी बनाकर बेचते थे? देखिए, केवल सस्ती और महंगी का बात नहीं है, इसको डाइल्यूट भी करते थे और जो राज्यों के बीच में जो कर का अंतर है उसका भी लाभ उठाते थे। देखिए, बहुत सारा अभी बरामद हुआ है, कीमत हम इसमें जो एक्साइज विभाग है वही एस्टिमेट कर पाएगा, लेकिन पैक्ड 151 बोटल्स हैं और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो साथ में बरामद हुए हैं। कर कहाँ पे रहे थे सर, घर पे कर रहे थे या कहीं? ये इनका घर ही था जिसको जिस परिसर को इस्तेमाल कर रहे थे।